एक शिफा मैडम है जहाँ हाथी निर्माण किया है ना तीन माता नदी में। शिफा मैडम भारी मात्रा में ब्राउन शुगर का कारोबार कर रही है वो। और एक जो है नौ सात जो बोले हैं आपको कचली पंचायत में जो रहता है वो लड़का भी भारी मात्रा में कर रहा है। ये दोनों को कमेटी जा करके मुख्तार जो घर का मालिक है जो ठेकेदारी भी करता है उसके घर में रहते हैं। शिफा मैडम है जो जालो हजारीबाग के एडवोकेट हैं उसकी बेटी है और रांची मेडिकल का बेटा है। जो दोनों माने जो लव मैरिज किए हुए हैं और मुख्तार के घर में तकरीबन हम समझते हैं 8-10 साल से रख रहे हैं। इन लोग इस कदर माने जो है घिनौना काम कर रहा है कि पूरे पिलावल रोमी में कोरेस को बेच करके इन लोग पूरा बर्बाद कर दिया। ब्राउन शुगर भी बेच रहे हैं। तो हिदायत दिया गया है मकान मालिक को कि आप जितना जल्द हो सके इन लोग को अपने घर से हटा दीजिए वरना बहुत कड़ा एक्शन लिया जा सकता है आपके साथ। पिलावल रोमी माने जो है कहीं इनको जगह भी रहने के लिए नहीं दिया जाएगा। मुख्तार साहब को फिर कल माने जो उनको बता दिया जाएगा तो जितना जल्द माने जो अपना घर खाली करवा लें इन लोग। ऐसे हम बोले वो बोला कि बोलिएगा 2 घंटे में हटा देंगे ये भी बात। देखिए आज की जो मीटिंग हुई थी और पिछले जो मीटिंग में बात हुई थी उसी के सिलसिले में आज मीटिंग रखा गया था और आज चुनाव भी हुआ है। तो आज गांव स्तर पर चुनाव हुआ है जिसमें सर्वसम्मति से मिसबाहुल इस्लाम को सदर चुना गया है और नायब सदर मोहम्मद अकरम को चुना गया है। सेक्रेटरी मोहम्मद हैदर साहब और नायब सेक्रेटरी मोहम्मद रजीब साहब को चुना गया है और कोसा अध्यक्ष हमारे जैनुल साहब को चुना गया है। और एक बहुत अहम जो होता है जो मीडिया प्रभारी उसमें से काशिफ अदीब मोहम्मद वसीम और मोहम्मद आरिश को भी चुना गया है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ उपस्थित लोगों को जिन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दिया है। नशीली पदार्थ एक कोड़ बन गया है। आप जहाँ चले जाएं हर तरफ बर्बादी के मंजर नज़र आ रहा है इसलिए इसे रोकना हमारा दायित्व है। और जितने भी यहाँ पे लोग हैं सबका दायित्व बनता है कि जहाँ भी बुराई हो रहा है उसे सख्ती के साथ रोकें और अगर ताकत दिया है तो बिल्कुल हाथ से रोकें, अगर उतना भी ताकत नहीं है तो ज़ुबान से रोकें और बिल्कुल अदना सा दर्जा जो इस्लाम बताया है कम से कम उसको ज़ुबान से और अपने आप के दिल में महसूस करें कि वो आदमी गलत है उसको गलत समझें, इतना कम से कम करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा धन्यवाद देता हूँ जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं सबसे कहना चाहूँगा कि जो कमेटी बनी है और पहले भी बहुत कमेटी बनी थी, बहुत से भाई लोग भी बोले भी है कि बहुत से पहले कमेटी भी बनी है और ख़त्म भी हो चुकी है। तो आज सब मेंबर जितने भी लोग यहाँ पे हैं सब आहद कर लें कि ये कमेटी को बिल्कुल उरूज तक ले जाना है और हमारे गांव में और अगल बगल गांव में जो भी नशा का जो कारोबार हो रहा है एकदम संकल्प लेकर उसको जड़ से उखाड़ करके फेंकना है। हर हाल में चाहे उसके लिए तन मन धन जैसा भी जो भी करना पड़े इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। हम लोगों को पब्लिक का सपोर्ट चाहिए और जैसे मोहल्ले वाले जैसे औरतें औरत लोग का भी सपोर्ट चाहिए और ऐसा नहीं जैसे आदमी क्या है कि दूसरे को देख के हंसता है कि उसके घर में है इसके घर में है। तो ये हम लोगों के घर में भी धीरे धीरे आना चालू हो जाएगा। इसलिए सबको समझना होगा कि किसी दिन दूसरे घर से मेरे घर में भी आ सकता है। इसलिए सबको मिलजुल के काम करना होगा और अच्छे से काम करना होगा और ज़रूरत में कंधे से कंधे मिला के चलना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कमेटी बन गया आज बना कल काम नहीं करना, ऐसा नहीं। सबको मिलजुल के रहना है, सबको मिलजुल के काम करना है। कमेटी चुनाव में आई है चुनाव करके, इसमें सभी मेम्बरान सभी सदस्य सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि कल पिलावल के जितने भी मस्जिद है सभी मस्जिद में अनाउंस करा दिया जाए कि आज के बाद से कोई भी नशा नहीं करेंगे ना ही कोई नशा का कारोबार करेंगे। यदि नशा का कारोबार करते हुए पकड़ा गया या नशा का सेवन करते हुए पकड़ा गया तो उसे सख्त सख्त सजा दिया जाएगा और उसके घर के जो भी मेंबर है जो भी फैमिली है उसको इतला किया जाएगा, खबर किया जाएगा कि आपके बेटा इस तरह कर रहा है इसलिए वार्निंग पहला वार्निंग आपको छोड़ दिया जा रहा है। दूसरा बार अगर करता है तो उस घर के लोग अगर सहमति जताते हैं अपना बेटा के पक्ष में कुछ बात करते हैं तो वैसे शख्स को सोशल बायकॉट किया जाएगा। और अगर जो घर बोलते हैं कहते हैं कि हमारा बेटा इस लाइन में घुस गया है
हम बहुत समझा रहे हैं, आप लोग भी समझाइए, या हमारे हवाले कर देता है तो उसको कुछ संभालने का मौका दिया जाएगा। लेकिन फुल्ली तौर पर जो अपने लड़का को सपोर्ट करेगा तो उस घर का सोशल बायकॉट किया जाएगा।